नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। नोएडा का सबसे हाईलाइट मामला निठारी कांड तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। साथ ही इस मामले में दो मुख्य अपराधियों को कोर्ट ने इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी क्यों बरी किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये बात 2005 और 2006 के बीच की बात है, जब नोएडा के निठारी गाँव के पास एक घर के नाले में 19 लोगों के कंकाल मिले थे। जब पुलिस ने इस गंभीर मामले पर जांच की तो दो लोग इस कांड के मुख्य आरोपी बनाए गए। इन दोनों आरोपियों का नाम सुरेंद्र कोहली और मनिंद्र सिंह पंडेर हैं। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने कई मासूम बच्चियों महिलाओं से रेप किया और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के नाले में डाल दिया। इस गंभीर मामले की जाँच CBI कर रही थी। CBI ने फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर दोनों ही आरोपियों को अपराधी मानते हुए कई बार फांसी देने की अपील की थी। CBI की जांच के बाद सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में और मनिंदर सिंह को 2 मामलों में अपराधी बनाया गया था। दोनों को ही फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन दोनों ही अपराधियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद CBI और पीड़ित परिवार हैरान हो गया। जिन दरिंदों को फांसी देने की मांग की जा रही थी, उन दरिंदों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद से ही कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने खूंखार अपराधियों को बरी क्यों किया गया। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि निठारी कांड में CBI पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए दोनों को बरी किया गया। हालांकि CBI का कहना है कि दोनों अपराधियों को सजा देने के लिए उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी थी, जिससे साबित होता है कि दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में कोई गवाह नहीं है और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट पुख्ता सबूत है, इसलिए दोनों को बरी करने का आदेश दे दिया गया। बता दें, दोनों अपराधियों ने हाईकोर्ट में CBI के फांसी देने वाले फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी और मनिंदर सिंह ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर की वकील मनीष भंडारी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया। उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे, कोहली को सभी अपीलों में बरी कर दिया गया। इस मामले में बड़ी बात यह है कि जितने भी पीड़ित थे वो अब अपने गांव जा चुके हैं। नोएडा में सिर्फ 2 परिवार ही रहता है जिनके बच्चों की हत्या हुई थी, लेकिन ये गवाह बनने को तैयार नहीं है। पीड़ित पक्ष गरीब है, इसलिए निठारी कांड में वो कुछ भी नहीं कह सकते। इसी वजह से इस केस में ठोस गवाह नहीं है, इसी कारण अपराधियों को कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।